झांसी से अजय झा की रिपोर्ट। जहां लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए खुद सत्ताधारी दल के विधायक को कोतवाली का घेराव करना पड़ा। पुलिस द्वारा असामाजिक गतिविधियों से साठ गांठ कर कैसे लोगों के साथ नाइंसाफी की जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण आज झांसी शहर कोतवाली थाना में देखने को मिला। जहां लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए खुद सत्ताधारी दल के विधायक को कोतवाली का घेराव करना पड़ा। मामला कुछ यूं है कि झांसी के कोतवाली क्षेत्र के एक मकान में चल रही असामाजिक गतिविधियों की शिकायत करना पूरे मोहल्ले को महंगा पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने शिकायत करने से बौखला कर न केवल घरों में घुसकर पूरे मोहल्ले की महिलाओं व पुरुषों को बुरी तरह से पीटा, बल्कि घरों के दरवाजे भी तोड़ दिए। पुलिस की इस कार्य प्रणाली से आक्रोशित मोहल्ले में रहने वाले सैकड़ों लोग पुलिस की लाठियों से लगी चोटों को लेकर भाजपा के सदर विधायक के यहां पहुंच और इंसाफ की गुहार लगाई। जब सदर विधायक ने पूरे मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर शहर कोतवाली का घेराव किया तो विधायक जी की मौजूदगी में कारोल जैसी महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस जैसे नियम की धज्जियां तो उड़ी, साथ ही साथ योगी सरकार के उस दावे की भी हवा निकल गई जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता को स्वेच्छा और इंसाफ दिलाने की अक्सर बात की जाती है। सत्तासीन विधायक द्वारा अपने ही सरकार की पुलिस के थाने का घेराव करने की जानकारी मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास तथा नगर क्षेत्राधिकारी कोतवाली पहुंच और विधायक को पूरे मामले में जांच कराकर इंसाफ दिलाने की बात कही। ये कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मोहल्ले में कल एक सूचना पर जिसमें कि एक मकान मालिक द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसको हंगामा कर रहे हैं, पुलिस पहुंची थी और इसी सूचना पर वहां पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उस संबंध में लोग भाग आए थे। इस संबंध में उनकी शिकायत ये है कि एक कांस्टेबल द्वारा गलत फीडबैक दे के कोई कार्रवाई गई थी, जिसके संबंध में सी ओ सिटी दारपुर की जाँच दी गई है और इस संबंध में जो भी दोषी आएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो सर कार्रवाई क्या है, पुलिस ने लगाना चाहती है, कार्रवाई कब तक होने की संभावना है? दो दिन झांसी के डडियापुरा क्षेत्र के सैकड़ों महिला और पुरुष आज प्रातः में मेरे मकान पर आए। उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए चोट के निशान दिखाते हुए मुझे अवगत करवाया कि कल शाम को डडियापुरा मोहल्ले में पुलिस फोर्स ने आकर के पूरे मोहल्ले के घरों में घुस घुस करके मारपीट की और वहां पर मारपीट करने के साथ साथ महिला और पुरुष सारे लोगों को चोट के निशान थे। जब उन्होंने मुझे इसका संज्ञान में लाया तब मैं आज कोतवाली आकर के आला अधिकारी मेरे साथ में एसपी देहात हैं, सीओ हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं और यहाँ पर आकर के जो घटना की जानकारी मिली कि एक मकान में अवैध गतिविधियाँ संचालित होती थी, जिसकी शिकायत पूरे मोहल्ले ने मिलकर के उस व्यक्ति संबंधित व्यक्ति से भी की थी कि अपने घर से इस तरीके के कामकाज को बंद करवाओ। जब उसने नहीं सुना तब कल 112 नंबर को उन्होंने कॉल किया मोहल्ले के लोगों ने। 112 में एक कोई ऐसा सिपाही होगा जिसकी संलिप्तता उन लोगों से होगी, विपक्षियों से, तो उस सिपाही ने जाकर के वहाँ पर माहौल बिगाड़ने का काम किया। पुलिस कंट्रोल रूम को गलत सूचना दे करके भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को बुलवा करके पूरे मोहल्ले में घरों में घुस घुस करके घरों से खींच खींच करके महिला और पुरुषों की मारपीट की गई, उनके दरवाजे तोड़े गए। जब इस घटना की मुझे जानकारी मिली तब मैं आज कोतवाली आकर के इस पर हमने अभी उन्हें दो जो जिन दो लोगों को यहाँ पर लॉकअप में बिठा लेते उनको मैंने रिहा करवाने का काम किया और मेरी अपेक्षा है पुलिस प्रशासन से कि इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए, जिसका मुझे आश्वासन मिला है कि सीओ सिटी उसकी जांच करेंगे और जो भी लोग दोषी होंगे उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।